हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश जीके हम लोग करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए, क्योंकि यूपी जीके से कम दो क्वेश्चंस कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ये श्योर है कि दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हर साल आता है। तो उत्तर प्रदेश जीके को हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ याद कर लेना है कि इसके ज़िले कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। ठीक है, ये इसका मानचित्र है। और एक दृष्टि में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसका राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, पहले संयुक्त प्रांत था, उसके नाम उसका बाद उसका जो राज्य का पुनर्गठन हुआ तो नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। राजधानी बनाया गया लखनऊ को। राज्य दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 24 जनवरी को हम लोग राज्य दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर्स है, तो ये भी पूछ सकता है। और राजभाषा हिंदी प्रथम है, उसके बाद दूसरी राजभाषा आपकी उर्दू है। तो पहली तो सबको पता होता है, लेकिन दूसरी पूछ लेगा तो बहुत लोग फंस जाएंगे, तो उर्दू है, ये चीज़ को याद रखना है। उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो है इलाहाबाद में, और लखनऊ में इसका खंडपीठ है, तो लखनऊ में खंडपीठ है, ये भी पूछ सकता है आपसे। कुल मंडन की संख्या ये इंपॉर्टेंट है 18, और जिले तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 75 जिले हैं। ठीक है, विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद है और जिसमें 99+1 एंग्लो इंडियंस है, तो टोटल विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो 403+1 एंग्लो इंडिया, तो 404 ये आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो विधानमंडल कितने हैं? 2 सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, लोकसभा की अगर बात करें उत्तर प्रदेश से 80 है सीट है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो अगर बात करें तो 31 है। तो ये सारे डाटा याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम लोग बेसिक देख लेते हैं, जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, और राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो मछली, क्योंकि सिंबल अगर चिन्ह मतलब क्या है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के देखते हैं सिंबल देखते हैं तो वहाँ पर मछली बने हुए हैं, दो मछली। पुष्प की बात करें तो प्लास है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश का तो अशोक है, और कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? बरगद में। ठीक है, अशोक याद रखना है उत्तर प्रदेश का खासकर। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। बोला नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा। ठीक है, और जैसे कि प्रमुख फसलें जो हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है देश है, मतलब उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, प्रथम राज्य रखता है, और जौ के उत्पादन में दूसरा। गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो गन्ना और गेहूं के उत्पादन में अगर फसलों की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों फसलें सबसे आगे हैं। ठीक है, और फलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो जो प्रमुख फसलें हैं वो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सफ़तालू। ठीक है, तो ये सारे फल्स हैं। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? विविधता हमने देख ही लिया है ये चीज़ें, मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक परियोजना एटॉमिक जो प्लांट बनाया गया है वो बुलंदशहर के नरोरा में है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नहर मतलब नगर कौन सा है? औद्योगिक नगर है कानपुर, और कानपुर में चमड़ा का मतलब उद्योग भी है। ठीक है, चमड़े के लिए भी फेमस है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, सबसे बड़ा दरवाज़ा है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ मुझे जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे, तो कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली जाना है। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रथम जो संग्राम हुआ था 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता हुआ था वो मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, कॉमन से क्वेश्चन है। ओके, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार नज़र लगाना पड़ेगा नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे कि आगरा कई बार पूछा है कि आगरा के जो शहर है वो किस नदियों के किनारे है बसा हुआ है, तो वो यमुना नदी है। इसी प्रकार जो आपका लखनऊ है वो गोमती
नदियाँ हैं, ठीक है। इलाहाबाद में पूछ सकता है तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो कुछ शहरें हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कानपुर आपसे पूछ लेगा, ये आपका गंगा है। वृंदावन आप पूछेगा तो यमुना है, ठीक है। और इसी प्रकार मथुरा पूछेगा यमुना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है डियर। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से खुद से रीड कर लेना। खुद से रीड करोगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थित मध्यकालीन इमारतें, तो ये इमारतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद आपका बाबर ने इसको निर्माण करवाया था, और ये है कहाँ पर, संभल में। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अकबर का मकबरा है, जो जहांगीर ने निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने निर्माण करवाया था, ये आगरा के सिकंदरा में है, ठीक है, इसका स्थान। उसी प्रकार जहांगीर महल, आगरा का किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये देखो अकबर ने बनवाया है, और ताजमहल और शाहजहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था, ये सारे आगरा में हैं। तो इसको आप खुद से अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। लाल दरवाज़ा जो मस्जिद है मोहम्मद शाह ने जो बनवाया है, जो जौनपुर में है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। शेख सलीम चित्ती का मकबरा अकबर ने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी प्रकार आपका बुलंद दरवाज़ा अकबर ने निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल या बीरबल महल या खास महल, ये सारे अकबर ने निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी में ही है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया है, लेकिन आप लोग अच्छे से PDF को पढ़ लेना, PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो यहाँ से संभावना अधिक है आने की। बाकी मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। यहाँ से दो क्वेश्चन श्योर है कि आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो सेशन को लाइक कर दीजिए डियर, कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि भैया कौन कौन स्टडी करते हैं, ठीक है। विदाउट कमेंट आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई किसी ने वीडियो देखा, तो कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। 10, 20, 50 जितने भी लोग देखते हो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। लेकिन आप लोग एटलीस्ट एक कमेंट कर दिया करो, बहुत समय नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।